आर्टिस्ट की आप बात कर रहे हैं उनके लिए हमारे गांव में जो ट्रेडिशनल विजडम है, ट्रेडिशनल आर्ट है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका को किस तरह देश दुनिया तक ले जाया जाए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। और जो मजदूर वापस जा रहे हैं, कौशल संपन्न मजदूर, औद्योगिक कौशल से संपन्न, इंडस्ट्रियल स्किल जिनके पास है, उनसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को, औद्योगिकरण को सही दिशा में विकेंद्रीकृत रूप में छोटे छोटे उद्योगों में छोटे छोटे मशीनों से छोटे छोटे प्रोसेसिंग मशीनों का आविष्कार करके बनाकर उससे काम को बढ़ाया जाए, ऐसा मौका नहीं आएगा फिर। देखिए, जो भी नुकसान हो रहा है कोविड से वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक मौका भी पैदा हो रहा है। मौका पैदा हो रहा है कि ऐसे बहुत से मजदूर जो गए नहीं थे अपने गाँव बहुत सालों से, जाते थे तो एक हफ्ते के लिए जाते थे, हो सकता है अभी वो एक महीना दो महीना वहां रहेंगे, धीरे धीरे उद्योग की इंजन को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इन औद्योगिक मजदूरों के साथ हम उनसे नए नए यंत्र बनवाएंगे, नए नए काम करवाएंगे, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग कराएंगे, अंडरग्राउंड टैंक बनवाएंगे कंस्ट्रक्शन लेबर से, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा इसके साथ में। और फिर मैंने बात करी कि जो उनके पास अच्छे विचार हैं, जो उद्यम लगाना चाहते हैं, उनको रूरल स्टार्टअप का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ट्रेंड लोग हैं, जानते हैं शहर में क्या होता है, धंधा समझते हैं, देखते हैं बाजार को, उनको सिखाने की जरूरत नहीं धंधे के बारे में, क्योंकि जो खाल और थोड़ा सा शहर में जाने के बाद उनका उनको समझ आ गई बाजार के अंदर कंपटीशन क्या होता है, कोई चीज़ क्यों खरीदते हैं, कैसे बिकती है, तो थोड़ा अंदाजा है उनको। वो एक कंज्यूमर भी हैं और एक प्रोड्यूसर भी बनेंगे वो, तो उनके साथ हम अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख एंटरप्राइजेज लगाएं, अगर 10% भी सफल हुए तो उनसे रोजगार जो पैदा होगा ना वो नरेगा से ज़्यादा अच्छा उपयोगी रोजगार होगा। और कल्पना हमारी ये होनी चाहिए कि 5 साल या 7 साल में नरेगा की जरूरत ना पड़े देश को, इतने रोजगार के मकसद पैदा कर दें। देखिए, एक अंग्रेजी में बोलता हूँ मैं, कई बार लिखा है, एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स, यानी कि अगर हमारी योजना अच्छी है तो वो उसको जरूरत उसकी योजना की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम होना चाहिए, है कि नहीं। बड़ी बात की, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। ये जो जो नॉलेज शहरों से गांव गई है तो वो गांव को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज, ज्ञान प्रद उद्यम लगेंगे, लोगों को मौका मिलेगा, और वो उद्यम ऐसे होंगे वो रेपिटेटिव मीटू वाले नहीं होंगे। सिर्फ कोई दवाई बना रहा है, कोई नुस्खा बना रहा है, कोई पारंपरिक फूल, आप बैठेंगे, आप यहां से कहेंगे मुझे तो वो सिंगेरी की जो सब्जी बनती है राजस्थान में वो चाहिए, तो भाई जो कोरियर एजेंसी है वो एक पैकेज लेके जाएगी राजस्थान में, बहन के पास जाएगी, बहन सब्जी बनाएगी, उसके अंदर डाल देगी, आपको बैठ के बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में मिल जाएगी वो। हमारी माताएं जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनको जोड़ेंगे ना बाजार के साथ में, कौन जोड़ेगा, कोरियर एजेंसी जोड़ेगी ना।